आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं आप और आपके परिवार प्रभु की दया से ठीक है और सुरक्षित है। आज हम इस छोटा सा वीडियो क्लिप के द्वारा प्रभु यीशु मसीह करीबी चेला सिमोन पत्रस के जीवन के द्वारा हम तीन मुख्य बातों सीखने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये तीन पॉइंट हमारे विश्वास को बनाने में जरूर सहायता करेंगे। तो चलिए हम बाइबल में से ये तीन पॉइंट को देखते हैं। लुका राशि सुसमाचार 5वां अध्याय 4 से लेके 11 पद को हम देखेंगे और ये 4 से लेके 11 पद को हम तीन भाग में हम बांटेंगे और हम एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि ये तीन पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है आज्ञाकारी बनना। परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो हम इस समय पर देखने जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं लुका राशि सुसमाचार 5वां अध्याय का 4 से लेके 5 पद को। यहां पर लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हम इस कहानी में देखते हैं कि जब लोग इकट्ठा होने लगा, भीड़ जमा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन पतरस के नाव पर चढ़ गए और वो प्रचार करने लगे। और जब प्रचार खत्म हुआ तो सिमोन पतरस से कहा, सिमोन पतरस, अपने नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल को डालो। तो यहाँ पर सिमोन पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन एक भी ना पकड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिमोन पतरस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर वो जाल को डालते हैं और आगे के वचनों में हम देखते हैं कि उन लोगों ने उस दिन ऐसा मच्छी पकड़ा कि जाल फाटने को आए और दो नावों में भरकर नाव डूबने लगे। तो हमें पता चलता है उससे कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से उन लोगों ने किस रीति से मछली पकड़ा। और इसके द्वारा हमें पता चलते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर की आज्ञा मानने से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा हम इस बात को प्रूव करते हैं कि हम सच में परमेश्वर का चेला है। परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा ही हम इस बात को प्रूव करते हैं कि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। बाइबल में इस तरह लिखा है 1 सामुएल 15 अध्याय का 22 पद में कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से भी ज्यादा उनकी आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न होता है। और हम बाइबल में इस बातों को देखते हैं, जब जब इसराइलियों ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उन लोगों को दंड दिया और शत्रुओं के हाथ में उनको छोड़ दिया। और जब जब उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तो परमेश्वर उन लोगों को आशीष की और उनको सफलता दी। बाइबल में हम देखते हैं शुरुआत में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर ने उन दोनों को एदन वाटिका से निकाल दिया। और हम इस बात को भी देखते हैं साउल के जीवन के द्वारा, साउल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया और परमेश्वर ने साउल को राजा के पद से निकाल दिया। ऐसे कई सारे हम बातों को या कहानी को हम परमेश्वर के वचनों में देखने को मिलता है। आज्ञाकारी, आज्ञा मानना हमारे लिए कितना जरूरी है मेरे प्यारे। आज्ञा मानने के द्वारा ही हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हम योजना को सफलता होते हुए देख सकते हैं। आज्ञा मानना हमारे लिए सफलता का राज है मेरे प्यारों। जोशुआ को परमेश्वर कहता है, जब तुम मेरे आज्ञा को मानकर चलेंगे या मेरे आज्ञा से दाई या बाई ना मुड़ेंगे, तो परमेश्वर जोशुआ से कहते हैं कि तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां पांव रखेगा मैं वही जगह को तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, आज्ञा मानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। आज्ञा मानना हमारे लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। आज दुखी बात यह है कि बहुत सारे प्रचारक आज आज्ञा मानने के विषय में ना सिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ चंगाई, छुटकारा, आशीष, इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चंगाई, छुटकारा, आशीषों के पीछे
भागने से ज्यादा हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने पर ही सब कुछ छिपा हुआ है। सफलता, आशीष, छुटकारा, चंगाई, सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा मानने के अंदर ही छुपी हुई है। इसलिए मेरे प्यारो, हम सभी को आज्ञा मानने की जरूरत है। आज कई बार हमारे जीवन में आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हुआ है। मेरे प्यारो, मुझे और आपको देखने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला विश्वासी है? हम में से कई लोग परमेश्वर के वचनों को जानते होंगे, रोज बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, अच्छा आवाज के साथ परमेश्वर की आराधना करते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को हम जानते हैं, प्रार्थना करते हैं या हम अच्छी आराधना करते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं कि उससे भी ज्यादा हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो मेरे प्यारे, एक तरफ से हम अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो मेरे प्यारे, एक तरफ से हम दो टाइप के लोग हैं। कहने का मतलब है कि हम अविश्वासियों के साथ जब रहते हैं तो अविश्वासियों की तरह हम बर्ताव करेंगे, जब हम विश्वासियों के साथ रहेंगे तो हम विश्वासियों की तरह बर्ताव करने लगेंगे। इसलिए हमें एक ही कैरेक्टर दिखाने की जरूरत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज्ञा मानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम भागदौड़ करने के बावजूद भी, हम प्रार्थना करने के बावजूद भी, हम मेरे प्यारे उधर उधर जाने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में आशीष रुका है तो इस समय पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम अपने आप को जांच कर देखिए, क्या मेरा जीवन आज्ञाकारी जीवन है? क्या मैं परमेश्वर के वचनों को मानकर चलने में मैंने फोकस लगाई है? तो मेरे प्यारो, आइए हम अपने आप को जांच कर देखिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूं, सिमोन पत्रस और उनके साथियों ने पूरी रात मेहनत करके थक गया था, उन लोगों को आराम की जरूरत थे, फिर भी उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने, उन्होंने रेस्ट ना लेते हुए, उन्होंने ना रुकते हुए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर जाल को डाला। आज हमारे जीवन में भी कई बार हम परमेश्वर को बहाना बताकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। चाहे तो सिमोन पत्रस और उनके साथी प्रभु यीशु मसीह को बहाना बता सकता था कि प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की, अभी हम थक चुका है, हमें रेस्ट लेने की जरूरत है, इस तरीके से बोल सकते थे, लेकिन यहां पर हम देखते हैं इन लोगों ने रेस्ट ना लेते हुए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है, हम छोटे मोटे बातों को प्रभु को बताकर हम बहाना देते हैं कि मैं वो किया, उधर गया था, मैंने ऐसा किया वैसा किया, कहकर हम कई बार क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को हम बहाना बताकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने से परमेश्वर को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान हमको ही है। इसलिए इस कहानी के द्वारा हमें पता चलते हैं कि आज्ञा मानना हमारे लिए कितना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ को पहचानने की जरूरत है, परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर की पावर को हमें पहचानने की जरूरत है। इस कहानी के दौरान हम पता चलता है सिमोन पत्रस और उनके साथियों ने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार, सामर्थ और पावर को उन लोगों ने पहचाना। यहां पर लूका का सुसमाचार समाचार 5वां अध्याय का 8 और 9 पद को हम पढ़ेंगे तो यहां पर पता चलता है कि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि सारा अधिकार उनके पास है, मच्छी भी उनके आवाज को सुनते हैं या उसके बातों को मानता है। क्योंकि ये जो कहानी यहां पर हुआ है ये साधारण मनुष्यों के लिए असंभव था, और हमें कहानी में पता चलता है सिमोन पत्रस, उनका काम ही मच्छी पकड़ना था, उन लोगों को पता था कब कैसे किस समय पर मच्छी पकड़ना है, फिर भी बाइबल बताती है इन लोगों ने पूरी रात मेहनत की फिर भी एक भी नहीं मिला। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा तो ऐसे मच्छी पकड़ा उन लोगों ने, दोनों नाव डूबने लगे।
तो मेरे प्रभु इस कहानी के दौरान बाइबल बताती है वो लोग असंभव हुआ और इन लोगों को पता चला सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, सारा पावर प्रभु यीशु मसीह के पास है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ा, वो एहसास हुआ कि मैं पापी हूं और उसने कहा है प्रभु। तो आपको मैं यही बातें बताना चाहता हूं कि यहां पर जैसे कि सिमोन पतरस उनके साथियों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जाना, पहचाना उनके अधिकार के सामर्थ को, आज मुझे और आपको भी मेरे प्यारों परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर के पावर को हमें पहचानने की जरूरत है। एक बड़ा सेवक ने मुझे कहा, दावा परमेश्वर जिधर है उधर ही सब कुछ है, वहां पर चंगाई है, छुटकारा है, सफलता है, सब कुछ है जो मनुष्य की जरूरत है। आज मेरे प्यारो मुझे और आपको परमेश्वर के सामर्थ को पहचानने की जरूरत है, आज हमें परमेश्वर के पावर को, परमेश्वर के अधिकार को जानने की जरूरत है। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के अधिकार कि वो क्या कर सकता है, उससे अनजान होने के कारण आज हम खुद प्रार्थना ना करने को छोड़कर हम अलग पासवानों के पास जाते हैं, अलग अलग बड़े बड़े मीटिंग में हम जाते हैं, कलीसियों को हम चेंज करते हैं। मेरे प्यारों दूसरों को प्रार्थना कराने से भी ज्यादा हम खुद प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों को प्रार्थना कराना गलत बात है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं आपके साथ परमेश्वर है और जहां परमेश्वर है वहां पर सब कुछ है। मेरे प्यारों मुझे और आपको परमेश्वर के सामर्थ को पहचानने की जरूरत है। इज़राइल लोगों के जीवन से हम सीख सकते हैं, इज़राइल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए। मेरे प्यारों उन लोगों को इजिप्ट से चुरा कर लाया, फिर भी आधे रास्ते में उन लोगों ने परमेश्वर ने किए हुए सारे कामों को भूल गया, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगे, परमेश्वर के ऊपर फुरकराने लगे। आज वैसा ही हमारे जीवन में भी होते हैं, हम कई बार परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने के बावजूद भी हम परमेश्वर के सामर्थ को भूल जाते हैं। आज इस कहानी के द्वारा परमेश्वर मुझे आपको बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ को जाने, परमेश्वर के अधिकार को पहचाने कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर सब कुछ है। हो सकता है आप बहुत दिनों का विश्वासी है या हो सकता है आप एक महीना दो महीने का विश्वासी है, लेकिन आप जब परमेश्वर के अधिकार, सामर्थ, पावर को पहचानेंगे, उन पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और सफलता देगा। सिमोन पतरस के जीवन के द्वारा तीसरी बार हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमें पुराना जीवन को छोड़ने की जरूरत है। यहां पर हम देखते हैं लुका रसुल समाचार 5वां अध्याय का 11 पद में हम देखते हैं, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर उन लोग यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्यारों आज मुझे और आपको हमारे पुराना जीवन, हमारे पुराना सोच, हमारे पुराना स्वभाव को, हमारे सोच को, हमारे विचारों को हमें बदलने की जरूरत है। हमें यीशु के जैसा बनने की जरूरत है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि गंदे कपड़े के ऊपर नया कपड़ा पहनेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि गंदा कपड़े के साथ साथ नया कपड़ा भी खराब हो जाएगा। आज परमेश्वर भी वही हमारे जीवन में चाहता है कि हम पुराना कपड़े को निकालकर फेंक दें, पुराना स्वभाव, पुराना हमारा जो सोच विचार को हम बदल कर हम अपने आप को नया बनाएं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। मेरे प्यारे हम दो नाव पर हम पाव नहीं लगा सकते, अगर हम दो नावों में हम पाव लगाकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे। हम संसार के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, संसार के साथ हम मित्रता नहीं कर सकते। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है मेरे प्यारो, दुनियादारी लोगों के साथ हम दुनियादारी के जैसा बर्ताव करते हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ हम परमेश्वर के जैसे जीने लगते हैं। मेरे प्यारो आपको मैं कहना चाहता हूं हम अपने पुराना जीवन को छोड़कर हमें नया बनने की जरूरत है। जैसे कि पौलुस कहता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गए, देखो नया हो गया। मेरे प्यारों मुझे और आपको नया होने की जरूरत है। हमारे जीवन को, हमारे पुराना जीवन को छोड़कर हम नया बनने की जरूरत है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ
अपने पुराना जीवन को छोड़कर चलेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे जीवन में सफलता देगा। यही बातों को हम सिमोन पतरस के जीवन के द्वारा हम देखते हैं। सिमोन पतरस ने अपने पुराना जीवन को छोड़कर उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, और हम सीख सकते हैं सिमोन पतरस के जीवन के द्वारा कि वो अपने पुराना जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और उनके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य होने लगे, मुर्दे जी उठने लगे, बीमारी चंगे होने लगे। और हम इस तरीके से सिमोन पतरस के जीवन के द्वारा हम देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने पुराना जीवन को छोड़कर उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए उसने शुरू किया, और सुसमाचार के लिए सिमोन पतरस ने अपने जीवन को भी दिया। आज मेरे प्यारो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, सफलता देना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं, क्या हम दुनिया के स्वभाव को, पुराना जो हमारा कैरेक्टर है उसको छोड़कर क्या हम नया बनकर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा हमारे लिए सवाल है। तो यहाँ पर सिमोन पतरस के जीवन के द्वारा हम तीन मुख्य बात को सीखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट है, हमें आज्ञा मानने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, हमें परमेश्वर के सामर्थ को पहचानने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, हमें पुराना जीवन को छोड़कर यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। अगर आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। प्रभु सबको आशीष करें।